हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। हमने पीछे जो भी एक्सरसाइज है 8.1 कर ली है, 8.2 कर ली है, और जो 8.3 थी वो आपकी 90 माइनस थीटा की फॉर्म की थी, जिसको उसको स्किप करा दिया है सिलेबस के, सिलेबस में से उसको हटवा दिया है, ड्रॉप करवा दिया उस टॉपिक को। तो इसलिए मैंने 8.3, हाँ 8.1 कर ली, 8.2 कर ली, 8.3 नहीं करी है, क्योंकि वो स्किप सिलेबस से स्किप करा दी है, ड्रॉप करवा दिया उस टॉपिक को। तो हम अब करेंगे 8.4 एक्सरसाइज। उससे भी पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, जो तीन फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि हम इनको कैसे सॉल्व किया। क्योंकि 8.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, और आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता ही आता है। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक कुछ फॉर्मूला जो हैं उनके फॉर्मूला के बारे में लिख लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, तो सबसे पहले अब मैं आपको फॉर्मूला का वेरिफिकेशन नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला का वेरिफिकेशन आता तो है नहीं है। सीधे आप आइडेंटिटी याद रखो और बस क्वेश्चन करना शुरू करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना है। यहाँ पर कोई कुछ है नहीं, जहाँ पर आएगा समझाने वाला मैथ के अंदर मैं वहाँ समझा दूंगा कौन सी चीज़ें किसका वेरिफिकेशन आता है किसका नहीं आता है। तो यहाँ पर सीधे फॉर्मूले याद रखो। तो देखो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला है। अब देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, कभी कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी आपको, तो ये एक मतलब ये नया कोई फॉर्मूला नहीं बना, ये बस एक ही फॉर्म ऊपर वाला ही आपको याद रखना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आपको कहीं हो सकता है कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकलवाने लगे वो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलवाएगा, आपको ये फॉर्म गिवन हो सकती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको उसको इस फॉर्म में देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर जैसा आंसर लिखा होता है वैसा ही आंसर निकालना होता है। अब आप निकालो निकालो चाहे कैसे भी, लेकिन आंसर वही निकालना होता है। तो हमको कभी कभी ये फॉर्म मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, और कभी कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा बदलाव करने के लिए जा रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, उसको समझना है, मैं वहां भी बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इससे कर लिए तो वो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। अदरवाइज दो तीन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं उनको बोलता हूँ रटने वाले, उनका कुछ मतलब एक ही टाइप से होते हैं, तो मैंने उनका मॉड उनको अलग टाइप से सॉल्व किया है, तो उसके अंदर एक अच्छा वे है वो सॉल्व करने का। क्योंकि वो एक अगर आप उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर वो रटने वाले क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी मैंने उसका निकाला हुआ है। अब देखिए उसका ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए एक आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू, तो आप लिखोगे उसको ए प्लस बी, और ए एक बार आप प्लस कर दोगे और एक बार माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अगर देखिए आप यही कि ए का रोल ये पूरा प्ले कर रहा है, मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं यहाँ पर स्क्वायर यहाँ लगा दूं और इसको ये लिख दूं, तो देखिए ए का रोल ये सेक करेगा और बी का रोल यहाँ पर टेन करेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक थीटा एक बार प्लस कर देता हूँ और एक बार माइनस कर देता हूँ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बोर्ड के अंदर, वो जो क्वेश्चन है कुछ मतलब हर बार रिपीट होते हैं वो, इस बोर्ड इसलिए देता है कि रटने, उन सबको लगता है कि शायद उनको रट के ही किया जा सकता है, लेकिन अगर स्मार्ट पर्सन है तो उसको इजीली कर सकता है काफ़ी स्मार्टली अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो। तो अब आप यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, या मैं जैसे निकाल देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा,
या आप, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, या फिर आप ये कर सकते हो कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन sec थीटा, अब ये प्लस वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसी भी सिचुएशन होगी मैं बताऊंगा आपको वहां पर कि आप इसको निकाल सकते हो। अब जो एक हमारे पास तीसरे नंबर का फॉर्मूला बचा वो कौन सा है, देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला आता है, ये होता है एक सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपसे क्या कहा, एक तो मैं यही वाला यही बता देता हूँ कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसा कुछ बनेगा, या फिर ऐसा होगा तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जैसे देखिए यही लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया। अब मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें वही जो मैं पीछे बता रहा था कि अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़े तो आप कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन माइनस ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो आप लिखोगे कि इसकी जो फॉर्मूला की वैल्यू है, आपको ये याद नहीं रहती, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है, क्योंकि एक बार आपको पीछे मैं यहाँ करा दूंगा तो फिर आगे करा आगे जब भी इनको यूज करूंगा तो आपका ध्यान रहेगा कि ऐसा भी होता है। या फिर आप ये निकाल सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। अब देखिए ये इसका मतलब कैसे यूज होता है, मैं जरा एक एक बता देता हूँ, बस सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करेंगे और फिर सीखेंगे, क्योंकि तो देखो इसका एक वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन है नहीं कि आप कैसा वो सॉरी फॉर्मूला का कैसे इसको निकालोगे, तो ये इनका है नहीं आपके यहाँ पर। सीधे फॉर्मूले याद कर करो, तो आपको अगर कहीं कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़े तो कॉट को आप उधर कर दो, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर वन लेता हूँ एक्सरसाइज का 8.1 का। अब देखिए उसको क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको सारे साइड बाय साइड इधर की साइड में सारे फॉर्मूलाज बार 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 कराता जाऊंगा, जिससे आपको वो रिवाइज हो जाए, बार बार याद हो जाए। और आपको भी यही करना है कि कोशिश करनी है कि उसको आप रिवाइज करते रहो चीज़ों को, जब भी क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला सीट आपके पास होनी चाहिए, आप बस देखते रहो करते रहो देखते रहो करते रहो। ऑटोमेटिकली अगर आप उसको याद करने बैठे तो देखिए याद नहीं होती है, मैथ के अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉस सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। वो कह रहा है कि ये जो साइन ए है सेक ए है टेन ए है, इन सभी की वैल्यू कॉट कॉट के अंदर आंसर लाओ आप, ठीक है, कॉट के अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए कैसा आ जाएंगी सारी चीज़ें कॉट के अंदर, अब हम कॉट के अंदर निकालते हैं। देखिए मैंने आपको एक लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला यहाँ भी सुन लो काफ़ी अब ये यूज होने वाले हैं, कि जो मैंने ये बताया था कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है तो आप बोलोगे कोसेक थीटा, क्योंकि ये अब ये भर भर के यूज होने वाले हैं यहाँ पर। और आप ये भी बोल सकते हो कि कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन थीटा होता है, उनको लिखने का तरीका एक दूसरे को ये होता है, ठीक है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, उसको लिखा ऐसा जाता है कि कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और उसको ऐसे भी लिखा जाता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उनको लिखने का तरीका ये होता है। एक मैंने आपको बताया था टेन वाला, तो आप बोलोगे कि टेन का अगर रेसिप्रोकल होता है तो आप बोलोगे उसका टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, और लिखने का तरीका ये होता है कि टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक ये आप फॉर्मूला लिख लेना पीछे वाले, इस मैंने पीछे भी लिखे हुए हैं,
मैंने एक एक आपको एक ये फॉर्मूला बताया था कि जो टेन थीटा होता है, अब इसकी बारी आ गई है यूज करने की यहाँ पर, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला खूब भर भर का यूज होने वाले हैं, 1 2 3 4 चार पांच फॉर्मूले ये हो गए और तीन पीछे, इन्हीं का यूज है, बार बार हम यूज करेंगे इनका। ठीक है, तो आप ये जो है ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ऐसे लिखे रहने देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड बस, हाँ अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वो कह रहा है कि, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ कि एक्सप्रेस द टिक्रोमेटिक रेशियो साइन ए कॉस सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो मुझको साइन की वैल्यू, मतलब जो मेरे पास साइन ए दिया हुआ है, ये भी कॉट के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, कॉट के अंदर कैसे आएगी, देखो हम साइन की वैल्यू कॉट में कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो गया, तो ये बचा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉसेक थीटा से स्क्वायर हटाया मैंने, इधर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दिया 1। अब देखो मैं जरा एक और बात जो कंफ्यूजन रहती है, अगर कहीं ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो कहीं आप गलती से ये जो जो मैं लिख रहा हूँ वो मत कर देना, कभी आप कोसेक पर भी लगा दो और थीटा पर भी स्क्वायर लगा दो, तो ये कुछ नहीं होता है। कभी आप ये करो कि कोसेक थीटा पर स्क्वायर लगा दो, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा पर थीटा एक एंगल है, इस पर स्क्वायर ऑपरेट नहीं होता है, तो आप यहाँ पर ये गलती नहीं करोगे और ये गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। अब देखिए ये आ गया, अब आप क्या काम करोगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है, सॉरी ये ए में चल रहा था, ये सब ए में चल रहा था, मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, आप इसको मैं ए में कन्वर्ट कर देता हूँ, बार बार थीटा बहुत याद आता है, और इसको भी ए में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने साइन थीटा बराबर बोला था आपको कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कहीं आपको कॉसेक दिखाई दे जाए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए ये कॉसेक कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसकी जगह 1/ साइन ए नहीं लिख सकता, अपकोर्स लिख सकता हूँ। और ये जो था, एक और बात, जैसे आपने स्क्वायर हटाया, इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट करा, तो प्लस माइनस ऑपरेट हो जाएंगे यहाँ पर इमिडिएटली, तो आप लिख देना। देखो अगर नहीं लिखा भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दिया आप लिख देना फिर भी, कभी एग्जामर क्या होता है कि उसके मूड के ऊपर, कुछ वैसे तो नहीं भी लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामर के मूड के ऊपर नियम यही है कि इसको लगाना पड़ता है। अब आपके सिलेबस के अंदर पता नहीं वो क्या सोच कर बैठा हुआ है, तो आप लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों छोड़े, क्यों रेड पेन घुनवाए। कुछ होते हैं टीचर बड़े स्ट्रिक्ट से होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि सिलेबस में, पता भी होता है तब भी वो चाहते हैं कि बच्चा ये लिखे ये लिखे ये लिखे, तो आप लगा देना अगर आपको लगाना है तो, अदरवाइज कोई ऐसी नीड है नहीं। तो मैंने इसको ये लिख लिया इस फॉर्मूले से, तो 1 प्लस माइनस कॉट ए। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाऊंगा, आप भी ऐसी कर सकते हो। अब तो क्या आप साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, साइन ए की वैल्यू यहाँ इस पूरे में मल्टीप्लाई जाएगी और 1 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा देखिए। अब मैं ये करता हूँ कि साइन ए को यहाँ भेज देता हूँ, और ये जो लिखा हुआ है ये रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा देखिए, 1 अपॉन प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। बस यही तो निकालना था हमको, उसने बोला था कि साइन ए की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, प्लस माइनस लगा देता हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो मैंने ये लगा दी, ये निकाल लिया। आप देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया।
हालांकि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं बोर्ड के अंदर, बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं होता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है कि सेक ए की वैल्यू जो है आप देख रहे हो, ये सेक ए की वैल्यू आपको कॉट के टर्म में निकालनी है। देखिए निकालते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से वही, अभी मैंने आपको ये बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा का, अब देखिए फिर से मैंने टेन थीटा लिख दिया, ये ए है, आप इसको ए लिखना है यहाँ पर, बार बार मेरा दिमाग उसी पर जाता है, बार बार थीटा बहुत लिखा जाता है। मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, और हाँ ठीक है ये भी कट कर देता हूँ, आप ए लिखना उस, क्योंकि उसके अंदर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ आप ए लिखो, एंगल ए लिखो, ए लगाओ और ए लगाओ, मैं अभी यहाँ ए लगा देता हूँ। तो टेन ए का जो रेसिप्रोकल होता है, आप बोलोगे कॉट थीटा होता है, और लिखने का तरीका ये होता है कि टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको जो आंसर निकालना है इसका स्क्वायर लगा देता हूँ, सेक ए का जो आंसर निकालना है वो कॉट के टर्म में आना चाहिए। तो ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सेक ए वन प्लस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा रहने देंगे, मतलब ये हम रहने देंगे इस टाइप से, क्योंकि टेन स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको हम टेन की वैल्यू रखेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये टेन ए, तो आपने इसको टेन ए ऐसे लिख लिया, बस आपने इसकी वैल्यू रख दी। अब वन प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अभी पीछे बताया था कि जैसे यहाँ पर कॉट ए लिखा हुआ है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वन का स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा, कॉट का करोगे तो केवल यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, कभी अभी और कभी आप और कहीं दूसरी जगह भी लगा दो। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया कि सेक स्क्वायर ए। अब देखिए मुझको सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर हटाऊंगा इधर, स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दूंगा और मत लगाऊंगा प्लस माइनस, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेक ए इन टर्म्स ऑफ द कॉट थीटा। तो ये मेरे पास दूसरा आंसर आ चुका है। अब तीसरा आंसर मैं देख लेता हूँ किसके बारे में पूछ रहा है वो। उसने बोला है कि जो आप टेन लिखा हुआ है ये तो सो सिंपल है, मतलब क्या ही बताएं, ये तो सो सिंपल है, इसकी वैल्यू आपको कॉट में निकालनी है। तो मैं चलो नेक्स्ट पेज पे कर ही देता हूँ। तो उसने बोला है टेन ए को आप कॉट में, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेन ए होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट ए होता है, और कॉट ए इसको लिखा ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सा आंसर आ गया, बहुत छोटा था। और फिर से मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज हैं वो लिखा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, दूसरे नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस, देखो कंफ्यूज नहीं होना है कभी, आप यहाँ पर कॉट टेन कर दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा वन अपॉन, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप इसको रिवाइज करते जाना आप, और कॉस थीटा को लिखा जाता है सेक थीटा, और सेक थीटा को आप लिखते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिखते हो आप वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हो वन अपॉन टेन थीटा। तो ये होते हैं, और एक और फॉर्मूला था कि आप टेन थीटा को क्या लिखते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते थे, कॉट थीटा को लिखते थे कॉस थीटा, ये अलग ठीक से लिख लेना, मैं बस आपको बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला थे, इनको खूब भर भर का यूज है। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो देखिए भैया पीछे तो केवल तीन ही बुलवा रहा था, यहाँ पर तो सारे निकाल लें, तो
वो कह रहा है कि यहाँ जो जितने भी यहाँ साइन थीटा, साइन ए, कॉस टेन, कॉट, ये सबको आपको सेक में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं किससे निकालता हूँ, हम एक काम कर लेते हैं, तो कौन सा, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैं साइन की वैल्यू, ये फिर से यार थीटा लग गया, ये थीटा यार पीछा नहीं छोड़ता मेरा, ये थीटा हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये थीटा बहुत चलता है, ए लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ए लगा देता हूँ। आप जरा एग्जाम में देख कर लगाना उसको, थीटा है क्या है, ए है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से पहले साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर ए की, तो ये आ जाएगा, सारी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास कॉस सेक ए में आनी चाहिए। तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा कॉस ए। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जो कॉस ए होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक ए होता है, तो क्या आप कॉस की जगह ये लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर ए, और मुझको चाहिए साइन ए की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इस इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेक ए। तो मैंने साइन ए की वैल्यू सेक ए के अंदर निकाल दी। अब आप सेकंड इसका ऐसे ही कॉस को निकालते हैं हम, कॉस को कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है सीधा सीधा कॉस थीटा को आपको ये लिख देना, कॉस की वैल्यू उसमें आ गई, ये खेल खत्म बस। अब कॉस के बाद आ जाता है टेन, टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला मैं तो आपको क्या पता है फॉर्मूला, आपको पता है कि अरे यार ये तो फिर से यही गलती, कहाँ स्क्वायर लग रहा है यार ये। आपको पता है पीछे फॉर्मूला आपने देखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस, ये लगाओ यार ये थीटा मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब मैं टेन, इस टेन की वैल्यू सेक में निकालने जा रहा हूँ, तो कैसे करूँ, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो टेन स्क्वायर इधर माइनस का, इधर आकर प्लस का, और ये जो 1 इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो मैं सीधा करके लिख देता हूँ इसको, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो इधर से जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए टेन की वैल्यू मैंने निकाल दी ना सेक उसके अंदर। अब बस आप एक काम करो, आपको करना क्या है, अब दो आपके पास क्या बचे, आपके पास दो बचे हैं, दो नहीं तीन बचे, हाँ दो ही बचे, एक कौन सा बचा, एक कॉट बचा। कॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए कॉट को, कॉट थीटा को आप ऐसे लिख लो, कॉट थीटा को आप लिखो 1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है। और फिर से थीटा, यार ये तो हद होगी बिल्कुल, कब थीटा में बदल जाता है मेरे को समझ में नहीं आता है। अब ये टेन ए जो है, ये टेन ए ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, आप जरा देख के लिखना उसके अंदर, ये मुझसे थीटा पता नहीं क्या है, मुझसे बहुत गलती होती है थीटा लिखने में, थीटा थीटा लिखा जाता है, कोई भी एंगल होता है उसका भी थीटा बन जाता है। तो आप कॉट ए बराबर, देखो आंसर आ गया ना सेक के अंदर, कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये भी निकल गया। अब क्या बचा, अब बचा कॉसेक ए। अब देखिए कैसे निकालते हैं कॉसेक ए को, मैं कॉसेक ए के अंदर अभी मैं ये वाली अगर वैल्यू यूज कर लूँ, ये वाली देखिए कैसे, कॉसेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन है, मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसाइक होता है, कोसाइक का रेसिप्रोकल साइन होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप कोसाइक को ऐसे लिख सकते हो, कोसाइक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए,
और मैं ये जो साइन ए है इसकी वैल्यू ये है, ये आप यहाँ भी यही भी यहाँ भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, आप यहाँ भी सीधे डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ये जो साइन ए ऐसे निकाल ऐसे कर सकते थे कि कॉस सेक ए बराबर वन अपॉन, मैं यही निकाल देता हूँ, आप यहाँ निकाल सकते हो डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि आप उसको अलग निकालो, बस इसकी जगह ये जो लिखा हुआ था ये वैल्यू रूट यूज कर लेते, वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो दिस इज द आंसर। तो हमारे पास सभी सारे के सारे निकल गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर थ्री था, मैंने उसको नहीं रखा है इसके अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर थ्री था वो 90 माइनस थीटा की फॉर्म का बना है यहाँ पर, ठीक है, और जो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम छुड़वा दिया है, तो इसलिए आपको मैंने वो यहाँ पर नहीं रखा है। कभी सोचने लगो कि वो दूसरे उसका था 90 माइनस थीटा का था, साइन 90 माइनस थीटा से होता है, तो मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है, तो उसको नहीं रखा है। आप चाहो तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो आपके सिलेबस से 90 माइनस थीटा की फॉर्म हटा दी, तो उसके उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन सब हट जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ भी कॉमन आपको दिखाई दे आप इमीडिएटली उसको निकालो कॉमन को, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला से आपको ये बताया था कि sec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू मैं 1 कर लेता हूँ इसकी, तो कितना आ जाएगा दैट इज, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चलो वो आगे आएगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसमें तो नहीं करते। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, 1 प्लस टेन प्लस सेक ए और ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर आई है अच्छी सी बात, कॉट थीटा वाली, थीटा मेरे को बड़ा पसंद है, ये हर बार थीटा लिखा जाता है, कोई सा भी एंगल चल रहा है उसकी जगह थीटा। अब देखो यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि पहले 1 की सब जगह मल्टीप्लाई करो, फिर 10 की यहाँ पर सब जगह और sec की ये मल्टीप्लाई, तो मैं यही करने के लिए जा रहा हूँ, पहले 1 की यहाँ 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 करता हूँ, तो 1 की मैं जब यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर इस टेन की यहाँ करूँगा यहाँ करूँगा यहाँ करूँगा, तो टेन की मैं यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस के टेन थीटा, इसकी यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, इस टेन की मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इस सेक की ये जो सेक थीटा है इसकी यहाँ करूँगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, तो ये बन जाएगा मेरे पास sec थीटा, और इसके साथ करूँगा cot के साथ तो बन जाएगा sec थीटा इंटू cot थीटा माइनस, इसकी यहाँ करूँगा तो ये बन जाएगा sec थीटा और cosec थीटा। अब देखिए देख लेते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, कैंसिल आउट कौन कौन से शायद नहीं हो रहा है अभी तो, ओके चलो कोई नहीं, तो हम करते हैं sin cos में इनको तोड़ लेते हैं, जैसे क्या कुछ हो रहा है sec थीटा cosec थीटा नहीं ये नहीं हो रहा है, और चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस इसको sin cos में तोड़ लेता हूँ। देखो आपको एक काम करना है, आप यहाँ भी sin cos में तोड़ सकते थे, सबको sin cos में तोड़ना है, तो इसको लिख सकते हो आप ये, और इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन ये जो लिखा हुआ है ये, इसको लिखोगे 1 अपॉन sin थीटा फॉर्मूले से, और इसको लिखोगे ये जो लिखा हुआ है इसको लिखोगे आप sin थीटा, ये दूसरी लाइन है कभी आप सोचो ये तो यार नीचे, हाँ cos थीटा प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो जरा कैसे, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ फिर आप इरेज कर दूंगा मैं इसको, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कैसे, जैसे आप मैंने बताया था कि sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cot थीटा होता है, जब इन दोनों की इसको cot को भी आप tan के साथ मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो कितनी आ जाएगी, यानी आप इसकी जगह सीधा 1 लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख देता हूँ। अब ये बना तो साइन कॉस में तोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और इसको मैं 1 अपॉन
जो लिखा हुआ था इसको लिख लेता हूँ, वन अपॉन, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, वन अपॉन कॉस थीटा। अब मैं ये हटाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये आ गई इधर प्लस का साइन लगा कर, तो ये आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन कॉस थीटा इन टू, इसको कैसे लिखूँगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन, इसको वन अपॉन कॉस थीटा इन टू, और इसको लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन साइन थीटा। अब देखते हैं कुछ चीज़ें क्या क्या का हटा, तो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा हट गया, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा हट गया, तो और क्या बचा, अभी कुछ नहीं बचा है, तो हम इसको भी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ऐसे ले लेते हैं। एक और चीज़, हाँ एक तो ये वाला वन और एक ये वाला वन, ये टू बना देंगे, तो ये तो अब देखते हैं क्या का बचा, एक तो ये पूरा ऐसे लिख लेता हूँ मैं ये वाला, तो ये बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या बचा, एक ये भी बचा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने प्लस करके लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के वन अपॉन, आप इसको ठीक से लिखना क्योंकि ये कट गया तो ऊपर ये आ जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा वन अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से ये हट गया तो ये आ जाएगा प्लस के वन अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखते हैं, देखो ये वन अपॉन साइन थीटा प्लस का लिखा हुआ है और वन अपॉन साइन थीटा माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गए, और क्या है, ये तो वन अपॉन कॉस थीटा ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा टू प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या बचा, ये बचा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखते हैं तो हम इस टू को छोड़ देते हैं और सब अंतर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये जो है ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो लिखा है इनके सबके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, तो मैं टू ऐसे लिख देता हूँ, पहले एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं इन तीनों के अंदर एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो एलसीएम जब आप यहाँ लोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आया, देखिए साइन थीटा यहाँ पर है लेकिन कॉस थीटा, देखिए एलसीएम में अब कैसे देखा जाता है, साइन थीटा है लेकिन इसके साथ कॉस थीटा नहीं, तो इसकी कॉस थीटा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर कॉस है लेकिन नीचे साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखो ये आ जाएगा वन, तो टू प्लस, फॉर्मूले से मैंने पीछे बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये पूरा कितना बन गया, ये जीरो बन गया, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो ये जीरो पूरा बन गया, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, टू, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं देखो यहाँ हम क्या काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर बताना, मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, अगर इन क्वेश्चनों को करने के आपका दिमाग कैसे चल रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप चीज़ों को साइन कॉस में तोड़ कर चलो, अगर साइन कॉस में तोड़ कर चलते हो अफकोर्स थोड़ी बड़ी हो जाएंगी लेकिन आंसर दे देंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि साइन कॉस में तोड़ने से भी नहीं होते, ठीक है उनको वैसे ही करना होता है,
तो अगर आप साइन कॉस में तोड़ कर चलते हो चीजों को, तो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन कॉस का मतलब ये होता है अगर कहीं कॉस एक्स ए लिखा हुआ है तो वहाँ उसकी जगह वन अपॉन साइन ए लिखो, और कहीं सेक ए लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप वन अपॉन कॉस लिखो कॉस ए, और कहीं टेन ए लिखा है तो आप उसकी जगह साइन ए और कॉस ए लिखो, कहीं कॉट ए लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह कॉस ए और साइन ए लिखो। अगर आप इसमें तोड़ कर चलते हो तो ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये देखो कि कुछ कॉमन तो निकल रहा, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे सॉल्व कर। पहले ये देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, कुछ टर्म कॉमन होगा इमीडिएटली बाहर निकालो। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर देखो कुछ फॉर्मूला तो नहीं बनना, अगर फॉर्मूला बनना है तो वैल्यू रखो उस फॉर्मूले की। तीसरी बात ये देखो कि कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो मतलब ये तीन काम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगर फिर उसके बाद में साइन कॉस में तोड़ लो, ठीक है। तो पहला कोई फॉर्मूला तो नहीं बनना है, पहले कॉमन तो नहीं निकल रहा है ये निकालेंगे, फॉर्मूला तो नहीं बनना है, कुछ कट तो नहीं रहा है, ये सब नहीं है, तो फिर साइन कॉस में तोड़ लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ कोई फॉर्मूला नहीं बनना है, sec a प्लस टेन ए वन माइनस ये कोई फॉर्मूला बनना है, तो मैं यहाँ पर साइन कॉस में तोड़ लेता हूँ। तो ये जो sec था इसको मैं क्या तोड़ कर लेता हूँ, वन अपॉन कॉस ए प्लस, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो क्वेश्चन को, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और ये ऑलरेडी साइन ए मतलब साइन टू में ही टूटा हुआ है तो इसको हम कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस साइन ए, और ये लिखा हुआ है वन माइनस साइन, तो आप देख सकते हो आप ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। देखो ए का रोल यहाँ पर ये वन प्ले कर रहा है, बी का रोल ये साइन कर रहा है, बीच में ए प्लस बी हो रहा है और एक बार ए माइनस बी हो रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो अगर आप फॉर्मूले को कैचअप कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो, तो ये काफ़ी ईजी लगेगा, अदरवाइज ये इसका कुछ ऐसा है नहीं, काफी मुश्किल भी बैठ जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है बच्चों से। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये किया, अब करने का हाँ और भी तरीके हो सकते हैं, आप जैसे मैं यहाँ भी अभी चलो मैं इससे बता देता हूँ, और दूसरा तरीके से मैं आपको बता दूंगा यहाँ और भी कैसे कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है, तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ऊपर, मतलब ये लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या इसकी जगह मैं ये ना लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। नीचे ऊपर दो पावर है, नीचे एक पावर, तो नीचे वाली की एक पावर से ऊपर वाली एक पावर खत्म हो जाएगी, तो केवल कितना रह जाएगा ऊपर कॉस ए। दिस इज द आंसर, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये वाला ऑप्शन मैं ये कह रहा था। हाँ दूसरे उससे कि आप पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इसकी इससे कर सकते हो, फिर इसकी इससे कर सकते हो, फिर इसकी इससे कर सकते हो, फिर साइन कॉस में तोड़ लो, फिर भी साइन कॉस में थोड़ को होता है ये क्वेश्चन। अब पीछे मतलब मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, आप साइन कॉस में तोड़ कर सकते हो उसको ऑफकोर्स, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, शायद मुझे एक धोखे से यहाँ लिखा गया है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ये था इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कोई सी आएगी, ये जो मैंने शायद धोखे से यहाँ देखा नहीं, शायद ऐसी लिख दिया, तो वन प्लस मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो ये लिखा हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे लिखा हुआ है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है, तो अगर आप यहाँ से
sec स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए ऊपर यही लिखा हुआ है 1 प्लस टेन ए, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा। और नीचे मैंने दूसरा आपको तीसरे नंबर का एक फॉर्मूला ये बताया था कि ये जो cos sec a माइनस cos sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से cos sec स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर। तो देखो नीचे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऊपर sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और नीचे cos sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तोड़ लेता हूँ मैं इसको। जैसे कि मुझको बताया कि जो cos sec a बराबर होता है उसको 1 अपॉन sin थीटा में लिख सकते हैं, sin a में लिख सकते हो, और जो sec a होता है इसको आप cos a में लिख सकते हो। देखो आंसर यहाँ नहीं छोड़ना क्योंकि पीछे उसने, आप देख लो एक बार ऑप्शन, कभी आप कहीं भी छोड़ दो, देख लो आप ऑप्शन किस में दिए हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको वन ऊपर वाले को जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन ये वाला डिवाइड का साइन, और नीचे वाले को लिखता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आते हैं तो आप पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख लो, ये जो लिखा हुआ था मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और ये जो था इसकी जगह डिवाइड का साइन लगाया, और ये जो था तो बस इसको आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ, और ये जो लिखा था इसको उल्टा कर दो, यानी 1 को नीचे लाओ और cos साइन को ऊपर ले जाओ। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो इसको आपको पता है साइन ए अपॉन cos ए, स्क्वायर लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये वाला इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शायद कोई सी स्लाइड जो है ये बार बार दिख कर रही है मुझको, बार बार आ रही है हर पेज पर। चलो तो हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पीछे वाले हमने सब कर लिए, ये भी कर लिया है। देखो अब यहाँ से हट गई है, ये बार बार स्लाइड परेशान कर रही है, कभी कहीं चली जा रही है कभी कहीं चली जा रही है। अब देखो यहाँ पर ओवरलैप कर गई है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, और एक और मैं बात बता देता हूँ कि आप इससे ये भी सॉल्व कर सकते हो, इससे ये भी सॉल्व कर सकते हो। हमेशा कोई ऐसी चीज़, कभी देखो प्रूव करने के तरीके, या तो आप LHS से सॉल्व करो और RHS पर चले जाओ, या RHS से सॉल्व करो LHS पर चले जाओ, या दोनों को इक्वल दिखा दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इधर से चलोगे इधर आ जाओगे, या इधर से चलोगे इधर आ जाओगे। ठीक है, तो आप कैसे भी प्रूव करके दिखा सकते हो, एग्जाम के अंदर छोड़ना नहीं। अगर आपका कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं बढ़ना तो दूसरी साइड दिखा दो सॉल्व, लेकिन कर दो। अगर प्रूफ भी नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करके दिखा दो, आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन, लेकिन छोड़ना नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई होती है बोर्ड वाले को कि जो कॉपियाँ चेक करते हैं कि बच्चों को कीवर्ड, अगर ये कीवर्ड आ रहे हैं उसके अंदर तो आपको आंसर वो मार्क्स दे देने हैं बच्चों को। अब देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये साइड ले लेता हूँ LHS। तो सबसे पहले मैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला में या देख, या तो आप सीधा इसको अंदर साइंस वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर सीधी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, ए माइनस बी की आइडेंटिटी, जैसे ये वाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के टू ए बी सीधी सीधी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप साइन कॉस में तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही करने के लिए जा रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कॉस एक्स माइनस प्लस कॉट स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स थीटा इंटू cot थीटा। अब मैं साइन कॉस में तोड़ लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना आ जाएगा, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये लिखा हुआ है, इनको भी तोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन
साइन ए, और इस कॉट को जब तोड़ोगे तो ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए, तो मैं सब के अंदर और इसको अगर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ इसकी वजह से, तो चलो ठीक है, पहले मैं इसके अंदर एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों के अंदर, और इसको भी आप तीनों के अंदर एक साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा है कहीं पर, थीटा कहीं पर ए, यार ये ठीक कर लेना आप, ये थीटा है चल रहा है, ये ए कहाँ से, अब ए जाना कहाँ से आ गया यार, ये हद होगी बिल्कुल यार, ये क्या बन जाता है मेरे। कॉस स्क्वायर थीटा इतने में एलसीएम ले लिया, और ये जो था इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और देखिए ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, अब मैं यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कितना बन जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस थीटा। तो देखो नीचे क्या बना, ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट ये वाली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है ऊपर ये बन रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी, तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यही लिखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ऊपर जो बन रही है वन माइनस कॉस थीटा का ये। अब नीचे देखिए, नीचे नीचे में जो फॉर्मूला, नेक्स्ट मैं स्लाइड पर जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, ये स्लाइड बार बार आ रही है पता नहीं कहाँ से। चलो मैं यही लिख देता हूँ इसको, इस स्लाइड काफ़ी परेशान कर रही है, बार बार आती आती किसी में शायद बग आ गई कोई। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा का और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, तो मैं यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस कर देते हैं इसको, मतलब यहाँ पर मैं इधर से लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देते हैं, एक बार ए प्लस बी कर देते हैं और एक बार ए माइनस बी कर देते हैं। तो मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख देता हूँ और नीचे वाले को एक बार वन प्लस कॉस थीटा और एक बार वन माइनस कॉस थीटा, तो इस वाले से एक पावर खत्म होगी, तो कितना आ गया वन माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। देखो प्रूफ हो गया हमारे पास, ये आ गई आर एच एस एनहेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो आप कर सकते हो उसको, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लिया ना, आप मत करो फॉर्मूला ओपन, सीधा पहले साइन कॉस में तोड़ लो, उससे भी कर सकते हो आंसर, उससे भी आ जाएगा। देखो इनके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके आंसर प्रूफ करने वालों के काफ़ी मतलब कैसे कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है, बस हाँ गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूलाज वगैरह गलत नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये स्लाइड अब यहाँ पर आ गई, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, ये कि बार बार किसी भी पेज पर आ जाती है, क्या हो गया इसको, ठीक से एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो मैं इससे शुरू करूंगा और इससे ये आ जाएगा। तो सबसे पहला नियम, आप कहीं आपको क्या करना है, कहीं कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल लो, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो तो कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तीसरी बात कि कहीं कटवट रहा हो तो काट लो। और चौथी बात ये कि भैया मतलब आप साइन कॉस में तोड़ लो। और पांचवी बात ये कि एलसीएम भी ले लो, ठीक है। तो ये काम करेंगे तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं बनना इतने पार्ट में, ना कोई कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये एक फ्रैक्शन बनना है, एक फ्रैक्शन बनना है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं सीधा सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, वन प्लस, देखिए आपको एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो कितना आ जाएगा, वन प्लस, देखो वन प्लस साइन ए यहाँ लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दो, ये बचा कॉस ए, तो इसकी ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एलसीएम में कॉस ए आ रहा है, साइन ए नहीं आ रहा है, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो बस मैं क्या करता हूँ, कॉस ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और साइन ए अपॉन, नीचे वाले को भी मत कुछ छू, ऐसे ही रहने दो, कॉस ए। अब देखिए मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था ये वाला, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है। तो देखिए एक ये और ये दोनों मिलकर वैल्यू वन बना देंगे, तो एक तो वन एक ये दोनों मिलकर वन बना देंगे, और ये वाला वन ये रहा, और मैंने ये इसका ये टू साइन ए ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कितना बचा, वन प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो एक और बात बता देता हूँ आपको, आंसर ये जो गिवन है ना, इस पर निगाह रहनी चाहिए आपकी, कि आंसर हमारा कहाँ छोड़ना है, कैसा करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाता है वन, ये टू और टू। आपको बार बार अपने आंसर को देखते रहना है कि हमको क्या प्रूव करना है, वरना अदरवाइज अनाप शनाप चीज़ें भी प्रूफ हो जाती हैं, और ऐसा नहीं कि वो सब गलत होती हैं, गलत नहीं होती, ठीक होती हैं, बस हमको वही आंसर निकालना जो पूछा है एग्जाम अंदर। तो मैं ऊपर से टू ले लेता हूँ कॉमन, तो ऊपर से टू जब जैसे लूंगा तो वन प्लस साइन ए, और नीचे जो लिखा था वन प्लस साइन ए ऐसे लिख देता हूँ, और इसके साथ जो कॉस ए लिखा था इसको भी देखिए, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, टू टू अपॉन कॉस है, और मैंने आपको बोला था मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने आपको बोला था कि जो कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, और सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस ए होता है, लिखने का तरीका उसका ये होता है। तो मैं यहाँ पर यही करने के लिए आया हूँ, वन अपॉन कॉस की जगह मैं सेक लिख देता हूँ, क्योंकि आंसर ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा नहीं है, जहाँ पूछेगा वहीं छोड़ेंगे, कभी आप पता लगे उसको भैया कहीं भी छोड़ दो। तो ये हमारे पास देखिए आर एच एस और दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो मतलब जहाँ देखो यार, ये स्लाइड हद होगी बिल्कुल, इस स्लाइड से कहीं भी मतलब, अब देखो यहाँ भी आ गया, ये मतलब शायद बग आ गया इसके अंदर कुछ, उसको बड़ा दिक्कत कर रहा है, अरे और ये क्या। अब देखिए तो आप ये यहाँ पर इसको जैसा मैंने बताया था, आप साइन कॉस में तोड़ कर सकते हो, पहले साइन कॉस में तोड़ लो, ठीक है, एलसीएम मत तोड़ो, एलसीएम ले लो उसमें भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि साइन कॉस में तोड़ लो, ऑफ कोर्स तोड़ लो, बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा चाहो वैसा आ सकता है। तो मैं अगर मतलब देखो आप स्मार्ट हो तो बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन आंसर दे देता है, चलो ठीक है। तो हम मैं ये बता देता हूँ कि साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, दूसरा और भी तरीका है, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो ठीक है, आप पहले एलसीएम ले लो, ये भी ठीक बात है कि आप एलसीएम ले लो, उससे भी आंसर ठीक आ जाएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया आंसर आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन कॉस में तोड़ लेते हैं हम, जैसे मैं बोलता हूँ तो टेन को ऊपर वाले टेन को तोड़ो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वन माइनस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको तोड़ते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले तो आप ऐसे ही रहने दो, और मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रखे रहने दो, तो ये आ जाएगा ठीक है, नीचे साइन थीटा एलसीएम आ गया हमारे पास, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बाहर बहुत शोर कर रहे हैं लोग, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बड़े आराम आराम के साथ क्वेश्चन के मतलब चिल काटनी है, ऐसा नहीं कि मतलब ये एकदम से इधर उधर कर दो, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप ऐसे लिख सकते हो, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन बन गया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिखा, और ये जो बड़ा सा डंडा था इसकी जगह मैंने ये डिवाइड का साइन लगा दिया, और इस वाले फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ जिससे गलती ना हो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ये प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, यहाँ भी यही करता हूँ कि ये वाले फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ गया तो आप सॉल्व, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये पहला फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो डंडा था ये मैंने इसकी जगह डिवाइड का साइन लगाया और इसको ऐसे लिख दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसकी डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ, इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। अब इसकी जगह ये ऐसे लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो है इसकी जगह ये हटाओ और ये लगा दो, कितना आ गया कॉस थीटा अपॉन। देखो आंसर आप करते जाना है, रुकना नहीं है, पहन नहीं रुकना है आप तो, कभी आप सोच रहे कि आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, फोर्स आएगा आंसर, लेकिन रुकना नहीं है, कभी आपने यही छोड़ दिया कि अब कैसे होएगा। साइन थीटा इस टाइम थीटा की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी बस अभी अभी थोड़ा सा देखो, ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। ये प्लस का साइन लगा देता हूं मैं, और यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब अगर मैं इस वाले में से ये जो लिखा हुआ है इसमें से माइनस का साइन निकाल लूँ, मतलब समझिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर उसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि तो मुझको एल जब भी कॉमन लिया जाता है मैं कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक जैसी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके एकदम अपोजिट। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ जरा थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा समझाने के, फिर मैं अब इसको इरेज कर दूंगा, साइन थीटा लिखा हुआ है मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा, जैसे ही मैं पूरे में से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, देखो ये जो प्लस अंदर, यहाँ देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये पहले प्लस वाला पार्ट ऐसे लिख दिया मैंने और माइनस, तो मैं ये पार्ट लिखने के लिए जा रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ये वाला, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये वाला ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे ही मैं इसका माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा वो, और ऊपर आ जाएगा ये, और अब इसको मैं लिख देता हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस फ्रैक्शन में वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन आ गया, और इस फ्रैक्शन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ गया, तो मैं पूरा बाहर निकाल देता हूँ, कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, यहाँ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्वेश्चन बड़ा बैठेगा इफ आई मार्क, उसका लॉन्ग क्वेश्चन मारेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बन जाएगा ऊपर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, आपको नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अरे यार ये कहाँ से आ जाती है यार, बार बार बड़ा।
बार बार स्लाइड आ रही है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, जो पीछे वाला था उसको यहां लिख लेता हूं नई स्लाइड पर। तो क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड के अंदर, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो। और ऊपर लिखा हुआ है साइन की पावर 3 माइनस कॉस की पावर 3। ये लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस की पावर 3, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक बार मैं जरा मैच कर लेता हूँ बस, ठीक है ओके। अब मैं देखिए एक फॉर्मूला था जो हमने पीछे पढ़ा था, आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। ये मैं ये फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करने के लिए जो है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही मत लेना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए मैं यहाँ पर ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो मैं ये अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इस पूरे से ये गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो कितना बचा ऊपर, ये नीचे तो हट गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जरा एक बार आंसर पर अपने नज़र मारी कि हमने निकालना क्या। देखिए अभी एक और चीज़ बची हुई है जो छूट गई हमारी, देखिए ये निकालना है आंसर हमको। तो मैं हमारे पास जो नीचे बच गया एक ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला मैंने ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, ये जो पार्ट था इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आपको इस पार्ट को इस 1 के अपॉन में अलग कर देना है, ये जो 1 बचा था यहाँ पर। चलो ठीक है पहले यहाँ लिखो, देखो ये जो 1 था इसका 1 बचा, ये माइनस ये रहा, और ये जो था वो ये रहा। अब ये लिखा हुआ है, मैं ये करता हूँ कि इस 1 के अपॉन में इसको अलग लिख देता हूँ, और ये जो लिखा है इसके अपॉन में इसको अलग लिख देता हूँ। देखिए कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा हट गया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, ये लिखा है, इधर लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा वो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हो आप कोसेक थीटा, और इसकी जगह लिख सकते हो सेक थीटा माइनस 1। फिर से चलते हैं जरा क्वेश्चन की, एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा है। सॉरी ये फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके थैंक यू।